ओम शांति। आज हम बाबा की 9 अगस्त की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं कि शिव बाबा हमारे सुप्रीम बाप भी हैं, सुप्रीम शिक्षक भी हैं और सुप्रीम सतगुरु भी हैं। बाबा सुप्रीम शिक्षक बनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज हमें दे रहे हैं। बाबा ने कहा मैं सुप्रीम सतगुरु भी हूँ। भक्ति मार्ग में गुरुओं के पास जाते रहे, उनकी कितनी महिमा गाते हैं, श्री श्री 108। तो बाबा कहते लेकिन सतगुरु यह महिमा सिर्फ शिव बाबा की है। सतगुरु बाप आकर हमारी सदगति करते हैं। बाबा कहते वह गुरु जो हैं वह सदगति नहीं कर सकते, इसलिए उनको गुरु के दरबार कहा जाएगा। यहाँ हम सतगुरु के दरबार में बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी है सतगुरु का दरबार। सतगुरु की कितनी ऊंची महिमा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये सारे जगत के पतित पावन भी हैं। बाबा कहते हम बच्चे इस सतगुरु के दरबार में बैठे हैं, बाबा हमारी सदगति कर रहे हैं। इस समय हम संगम युग पर खड़े हैं। एक तरफ है पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है नई दुनिया। बाबा हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उस नई दुनिया में जाने के लिए। बाबा हमको इस ज्ञान से सेंसिबल बनाते हैं। बाबा कहते ये विचित्र बाप जिसने ये ब्रह्मा के चित्र का लोन लिया हुआ है वो हमारे सम्मुख है, इसलिए सम्मुख बैठकर हमें नमस्ते करते हैं, हमें श्री मत देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम जज करो, ये राइट है, इस ज्ञान को जज करो। अगर ये राइट है तो राइट बाप को याद करो। बाबा कहते यह अविनाशी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते माया भी अपना बना लेती है। कई बच्चे पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, विश्व का मालिक भी बन रहे हैं, लेकिन माया के भी वश हैं। तो बाबा आज हमको माया से सावधान करते हैं। बाबा ने कहानी सुनाई है गुल बकावली की। बाबा कहते ये माया बिल्ली आत्मा रूपी दिए को बुझा देती है। आधा कल्प से हम प्रकृति के और माया के गुलाम रहे हैं, बाबा आकर हमको इस गुलामी से छुड़ाते हैं। तो आज बाबा हमको सावधान करते हैं कि माया अपने आप में समा लेती है, कच्चा खा लेती है, हप कर लेती है। बाबा कहते उसकी दलदल से हमें बचना है। पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर भी माया की दलदल में पड़े हुए हैं, जैसे कि बाबा ने कहा माया के पेट में पड़े हुए हैं। तो इसलिए आज बाबा ने हमें बहुत सावधान किया है। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे यह ब्रह्मा है ही सतगुरु का दरबार। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी है सतगुरु की दरबार। इस भ्रुकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। प्रश्न है बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं। इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं, बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करती रहती है, कभी तूफान कभी फैमिन, जैसे अभी हम बाढ़ देखते हैं तो प्रकृति भी तंग करती रहती है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। सतयुग में माया का वार भी वहां नहीं होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। आज हम सब सतगुरु की दरबार में बैठे हैं। दरबार होती है ना गुरु की दरबार, भक्ति में गुरु की दरबार कहते हैं। वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु की नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा, वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। और ये है सतगुरु, पहले बाप
फिर टीचर, फिर सदगुरु। सदगुरु ही सदगति देते हैं। सत्युग त्रेता में फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में हैं। एक सदगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ ना सभी गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो। किस लिए बैठे हो? बेहद का वर्षा लेने के लिए। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है। और यह वर्षा है नई दुनिया, अमर लोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को कहा जाता, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सत्युग को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप है शांति का सागर। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है, स्वधर्म है। फिर जब रावण राज्य होता है तो अशांति होती है। उनको कहा जाता है सुख धाम शांति धाम। बाबा कहते सुख धाम शांति धाम, वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। महिमा तो सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर, कौन सी महिमा नहीं सुनी होगी? ज्ञान का सागर, यह एक बाप ही है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पति पावन नहीं कह सकते उनको। यह एक ही निराकार है, बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में तो गुरु ढेर हैं। आगे तुम इस संगम युग के बारे में नहीं जानते थे, संगम युग का पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सत्युग आना है। चक्र फिरता रहता है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। यह कोई को पता नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। बाप कहते मैं तो तुम सब की सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो। पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? यह भी जानते ही नहीं रहम दिल कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो जरूर बाप को याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र है। बाबा कहते वह सामने बैठे हैं, इसलिए हम पुकारेंगे नहीं, क्योंकि बाप सामने बैठे हैं। तब तो नमस्ते करते हैं। तुम तो सब चित्रधारी हो, मैं ही हूँ विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता हूँ। मेरे चित्र का कोई भी नाम बताओ, बस शिव बाबा ही कहेंगे, क्योंकि बाबा है विचित्र। मैंने ये चित्र का लोन लिया है, सो भी पुराने से पुरानी जूती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। ये शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? ये तो पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, यह तो समझते हैं ऐसा था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा।
ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के द्वारा पावन बनते हैं। अब बाप कहते हैं, मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटेड सुनो ही नहीं। उनको ईविल कहा जाता है। टॉक नो ईविल, सी नो ईविल। इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है हमें अपने घर, फिर वापस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी तो यह सब जैसे कि मरे हुए हैं, टेम्प्ररी है। न ये पुराने शरीर होंगे, न ये पुरानी दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया जाने के लिए। फिर ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं हमें राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल पहले भी हम मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है। स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है बच्चों को अच्छी रीति। बाबा कहते पढ़े, अगर हम बच्चे अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकते हैं। परंतु बच्ची के लिए बाबा ने कहा वह दूसरे घर में चली जाती है। तो यहाँ तो कायदा ही नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। उस समय तो बच्चियाँ नौकरी नहीं करती थी, अभी करती हैं। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है ही पढ़ाई पर। बाबा कहते इस पढ़ाई पर सारा मदार है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती, लिखा हुआ है भगवान वाच। हे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ। जैसे देवियों के चित्र आदि बनाते हैं, तुम तो पढ़कर बस पद पाते हो। बाबा कहते बाबा हम आत्मा को ऐसा श्रेष्ठ देवी देवता बनाते हैं, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए, यहाँ तो आत्मा पढ़ती है। फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 से 14 कला, दुनिया वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से। और कोई की ताकत ही नहीं जो ऐसा पढ़ा सके, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। आज बाबा ने हमें बहुत सावधानी दी है माया के लिए। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। कमाई जाएगी नहीं, अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो बड़ा वैराग्य आता है, बस यह शरीर ऐसे ही छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें, पाप करते करते हम ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो है नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम टेम्प्ररी हो। पुराना शरीर छोड़ फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहजते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लगते हैं तब समझते हैं कि माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दिया बुझा देती है। गुल बकावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली
दिया बुझा देती है। यह सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है। कोई तूफान नहीं, फैमिन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाया है। सारी प्रकृति ही तुम्हारे अदब में रहती है। वहाँ बाबा कहते प्रकृति को गुलाम बना देते हो, वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, गायन ही है ना, मैं गुलाम तेरा। वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते अब मैं तुमको गुलामी से छुड़ाने आया हूँ, तुम मालिक बन जाएंगे। वह गुलाम बन जाएंगे, प्रकृति गुलाम बन जाएगी सत्युग में। जरा भी चू चा होगी नहीं, प्रकृति की जरा भी चू चा नहीं होगी। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी। बाबा कहते इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तो माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितनों को हराती है। बाबा सावधान कर रहे हैं, कईयों को माया एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं परंतु माया तो खाती रहती है, बुद्धि को परवश करती रहती है। उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पूंछड़ी निकली हुई है, बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दुबन भी कहते हैं, माया की दुबन, माया की दलदल कहते हैं। कितने बच्चे इस दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते, फिर बाबा को याद नहीं कर सकते। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम कीड़ों को भू-भू कर क्या से क्या बना सकते। एकदम स्वर्ग का परिजादा सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू-भू कर बदलते थोड़ी है। बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो विकारी जो मनुष्य हैं उनको तुम यहाँ ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं और फिर कोई अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने बहुत देखे, यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, अच्छी रीति ये ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ते हैं तो ज्ञान के पंख जम जाते हैं, और कोई तो फिर आधे में ही उनको माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते। तो यह मिसाल भी अभी के है। वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को ले आकर कैसे आप समान बनाती हैं। तो यह भी एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का भी मिसाल है। सत्युग में बस एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाला है, आत्मा निकल दूसरे गर्व महल में जाकर बैठती है। तो यह भी मिसाल देते हैं, गर्व महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल ही नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है जरूर। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन जन्मांतर की है, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। वह तो है भक्ति, उनसे कोई सदगति नहीं होती। सदगति माना वापस घर जाना। घर में कोई जाता नहीं है, बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं है। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना, तो बाप जब आए तब हमको पढ़ाए और साथ ले जाए, इसलिए बाप ही सदगति करते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, हम आत्मा हैं। यह एकदम पक्का कर लो, ये पहला हमारा लेसन है आत्मा का। बाबा कहते तुम एकदम इसको पक्का कर लो, हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, सुप्रीम रूह।
हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो यह ब्रह्मा की ब्रुकुटी है, सतगुरु की दरबार। यह इस आत्मा की भी दरबार है, ब्रह्मा की आत्मा की भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इनको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे, बाबा कहते तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए ना, टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं। बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है, बाबा कहते टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं। परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, तो फिर उनको पति पावनी कैसे कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है, देवियों को सजा कर पूजा आदि कर फिर उनको डुबो देते हैं। कई तो उस पर पांव रख कर भी डुबोते। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहां पानी में डाल हरी बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है। इस सृष्टि चक्र में चढ़ाई कैसे होती, उतराई कैसे होती, बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में पूरा ज्ञान है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है, राइट को ही याद करना है। अनराइटिस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। बाबा ने आज हमें यह अटेंशन दिलाया है, अनराइटिस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। बाबा का आज वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी भी किसी के परवश नहीं हो सकती है, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है। ब्राह्मण बच्चों का स्वभाव अर्थात स्व के प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते हैं। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। बाबा ने हमें ड्रिल कराई है, तो बाबा कहते ये अनादि और आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। बाबा का स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। ओम शांति।